ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली आदि पुरुष का नया ट्रेलर आ चुका है जिसपे हम बात करेंगे। मुझे पता है कि कल आ चुका था लेकिन कल मैं यहाँ पे नहीं था, तो फाइनली 20 घंटे की ट्रैवलिंग करने और एक बहुत ही खास मूवी देखने के बाद वापस आ चुका हूँ। लेकिन फिलहाल आदि पुरुष के ट्रेलर पे बात करेंगे। 2 मिनट 24 सेकंड का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसको फाइनल ट्रेलर बोल रहे हैं। मुझे पता था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ट्रेलर ड्रॉप होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। क्लेम आना तय बात है, स्ट्राइक भी आ सकती है जिस हिसाब से पिछले रिकॉर्ड में जो जो चीजें हुई हैं। तो 3, 2, 1 गो। इंटरेस्टिंग म्यूजिक, ओ इफेक्ट्स, नाइस नाइस भाई भाई, बढ़िया। रावण, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अपनी जानकी को ले जाने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए मां। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूं। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। दिखाया नहीं। पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। नाइस nice. तो ये वाला जो ट्रेलर है फाइनल ट्रेलर की तरह दिखाया गया है और इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। जितना मुझे समझ में आया तो इसमें एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है वो इन लोगों ने। पूरी की पूरी बैटल दिखाई हुई है जो प्रोबेबली फाइनल बैटल होगी। VFX वाला जो पार्ट है उसको काफी हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है, बट फ्लॉज दिख जाते हैं और हमको पता है कि प्रॉब्लम्स कहां पर है। उन एरियाज को डार्क करने की कोशिश करी गई है, जो एरिया में इंप्रूवमेंट है वो भी काफी अच्छे से विजिबल हो जाता है। जो जंगल वाला पार्ट है वो इन लोगों ने इंप्रूव कर दिया है एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। लेकिन जिस एरिया में प्रॉब्लम है वो भी हमको पता है, वो फाइनल बैटल जो होगी वहां पर दिक्कत है। लेकिन इसके अलावा जो रावण का एक्चुअल लुक है वो अभी तक नहीं दिखाया, इस पूरे ट्रेलर में कहीं पे भी नहीं दिखाया। दैट इज ऑल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट, आखिरकार ऐसा क्यों है। मतलब अब रावण का लुक जो है वो हमको फाइनल मूवी में देखने को मिलेगा, जो कुछ भी है या जो कुछ भी है जैसा भी है। इसके ऊपर हम लोग फ्लिकवर्स पे और भी अच्छे से बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ट्रेलर को एक दो बार अच्छे से देखना चाहता हूँ। तो अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।